हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। जरीपटका पुलिस स्टेशन की हद में एक युवती से 4 युवकों द्वारा अत्याचार करने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि मामले में युवती के कथित प्रेमी ने ही आरोपियों की पहचान युवती से करवा के दी थी। युवती के बयान पर जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जरीपटका पुलिस ने एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। युवती जब उस पर भरोसा करने लगी तो वह युवती को दोस्त के घर में लेकर गया और जबरन प्रेम जाल में फंसाकर दोस्त के घर में संबंध बनाए। पुलिस के अनुसार युवती का कथित प्रेमी कुछ समय के लिए गुजरात चला गया, उसके बाद युवती को उसके प्रेमी का दोस्त ब्लैकमेल करने लगा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काल एक 18 वर्षाची मुलगी आमच्याकडे तक्रार घेऊन आली की तिथं 2 वर्षापूर्वी ज्या मुलासोबत प्रेमसंबंध होते त्या मुलाने त्याच्या मित्राच्या घरी तिला घेऊन गेला व तिच्यासोबत रिलेशन बनवले। त्यानंतर काही दिवसांनी ज्या मुलाच्या घरी ह्यांनी रिलेशन बनवले त्या मुलाने त्या मुलीला धमकवलं की तू असंच माझ्या घरी येऊन असं केलेलं आहे, मी तुझ्या घरी तुझ्या गल्लीमध्ये सांगेन, नाही तर तू माझ्यासंग रिलेशन बनव। आणि त्याने बळजबरीने त्या मुलीसोबत रिलेशन ठेवले। त्यानंतर काही दिवसांनी इतरही 2 मुलांना समजलं त्याने सुद्धा त्या मुलीला सांगितलं की तू जर आम्हाला पैसे दिले नाही किंवा तर आम्ही हे सगळं बस्तीमध्ये सगळे सांगून देऊ आणि तुझी बदनामी करू। मग त्या मुलीकडून काय सोनं आणि काय पैसे घेतले होते अशी फिर्याद आम्हाला प्राप्त झाली। ज्या मुलांच्या विरुद्ध तक्रार प्राप्त झाली होती त्या मुलांना आम्ही आणलं, चौकशी केली, हे सगळं घटना सत्य असल्याचे समजले। त्यावरून आम्ही गुन्हा दाखल केला, आरोपीनं ताब्यात घेतलेलं आहे, चौकशी केलेली आहे, आता आज पिशासाठी हजर करत आहोत, पुढील सखोल तपास करत आहोत। इन बीसीएन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।